गर्मी दिन पर दिन पटना में परवान चढ़ता जा रहा है और आइए जानते हैं पटना की जनता से वो किस तरह से खुद को इतनी गर्मी में सुरक्षित रखते हैं। जी आपका नाम? फिरोज है मेरा नाम हुआ। जी आप गर्मी में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेंगे? बहुत बचाव करना पड़ता है, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया पटना के क्या बताया जाए। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, 43 डिग्री सेल्सियस होते जा रही है। हम लोग बचाव के लिए अपना गामछा वामछा रखते हैं और पानी वानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जूस अभी तक आपका कुछ नहीं है आपके पास? अभी हम डॉक्टर के पास गए थे इसलिए अभी कुछ नहीं रखे हैं, लेकिन हम लोग जब अपने बैरक में रहते हैं तो अपना सेफ रहते हैं, रूम से जल्दी नहीं निकलते हैं हम लोग। जी आइए जानते हैं अपने दूसरे जनता से कि वो क्या कहते हैं इस विषय पे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता हुआ। जी गुप्ता जी, आप गर्मी में अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखते हैं? गर्मी इतना भीषण पड़ रहा है कि हम लोग गमछा लेकर बाहर निकलना पड़ रहा है घर से, और जो भी अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह जो चला रहे हैं उसके लेके हम लोग को मुंह में ग्लव्स पहन कर गाड़ी चलाना पड़ रहा, और इतना भीषण गर्मी में पॉल्यूशन भी एवब है पटना का, जो जिसके कारण आदमी छिलमिला गया है पटना में, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा एवब बढ़ते ही जा रहा है। और गाड़ी चलाते तो क्या पानी की उत्तम व्यवस्था किया गया यहाँ पे? यहाँ नीतीश कुमार के तरफ से जल का प्रबंधन किया गया है, और पानी पनशाला खोला गया है जगह जगह पर, और लालू जी के भी तरफ से भी है ये सब सुविधा, सरकार के तरफ से हम लोग को मिल रहा है, जगह जगह गाड़ी रोक के हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। गर्मी से बचने के लिए ये स्टॉल बांध कर चलना चाहिए, पानी हमेशा साथ में रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा धूप से बच कर चलना चाहिए, इसे हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। खाना पीना तो हमेशा ही डेली टाइम पर ही खाना चाहिए, और ये धूप से निकलने से पहले फेस पर स्टॉल बांध देना चाहिए, चाहे गमछी हो चाहे स्टॉल हो चाहे कुछ भी हो। गर्मी में तो मम्मी बोलती है खाना खा कर जा खाना।